आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हरदोई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने एक बार फिर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए से हटकर सहयोग कर रहे हैं। वो ये भी बोले कि सपा डूबती हुई नैया है, जिनको मरना है वो इसमें बैठे और जिसे जान बचानी है वो इससे भाग रहा है। सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव कभी नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी तो समाजवादी पार्टी कमजोर होगी। इसलिए अखिलेश यादव चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही मजबूत हो। यादव जी मुख्यमंत्री थे तो वो तो चार बार की सरकार में मुसलमानों को गुलाम बना के रखे हैं, और 18% आबादी वाले को दिए क्या, सिर्फ नफरत दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सही कहा है, कांग्रेस के ज़माने में दंगे क्यों होते थे, सपा के सरकार में दंगे क्यों होते थे, ये आपस में लड़ते रहें, हिंदू मुसलमान होता रहे, समस्या का समाधान ना हो, समस्या जिंदा रहे, इसके लिए वो लोग काम करते थे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। आज इस बात का प्रमाण है ना कि जिस काम को कांग्रेस नहीं कर पाई उस काम को माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में मंदिर भी 22 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहा है, 33% आरक्षण महिलाओं को भी लागू हो गया, जो बीच के बिचौलिए लूटते थे उसका भी समाधान हो गया, इस बात से लोग परेशान हैं। तो ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। ओम प्रकाश राजभर साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी एक डूबती हुई नैया है और जिसको इस डूबती हुई नैया में सवार होना है वही बस बैठा हुआ है, लेकिन जिसको अपनी पार्टी की चिंता है, जिसको अपनी पार्टी में सांसें बरकरार रखनी है, वो अब इस पार्टी से भागने लगा है। वही ओम प्रकाश राजभर ने एक और बयान दिया कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती है और समाजवादी पार्टी यही वजह है कि प्रदेश के चुनाव में खुलकर अब कांग्रेस के विरोध में बोलती हुई नजर आ रही है और अखिलेश नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, क्योंकि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो इसका सीधा खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो हरदोई में ओम प्रकाश राजभर दौरे पर पहुंचे, जहां अखिलेश यादव पर वो जमकर हमलावर नजर आए। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक समय में समाजवादी पार्टी के एक मजबूत सहयोगी के तौर पर देखे जाते थे। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर सपा में आए, अब सपा का दामन छोड़कर ओम प्रकाश राजभर जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं तो वो एक बार फिर से अखिलेश यादव के खिलाफ और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के खिलाफ मुखर होकर जुबानी बयानबाजी करते हैं। ठीक वैसा ही एक और बयान ओम प्रकाश राजभर का हरदोई में सुनने को भी मिला है, जहां ओम प्रकाश राजभर साफ तौर पर अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अखिलेश नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, क्योंकि खुद अखिलेश यादव की पार्टी एक डूबती हुई नैया है जिस पर अब कोई सवार नहीं होना चाहता है और अब सभी समाजवादी पार्टी से तितर बितर होकर दूर भाग रहे हैं, क्योंकि वो एक डूबती हुई नैया में बैठना नहीं चाहते हैं। सपा नेता नितेंद्र यादव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए नितेंद्र जी, एक वक्त पर आपके सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो अब वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि समाज की जो समाजवादी पार्टी है वो डूबती हुई नैया है और इस डूबती हुई नैया में कोई सवार नहीं होना चाहता है, क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर आपकी? देखिए मेरा इसमें ओम प्रकाश राजभर पहले भी हमारा मुखबिर था, आज भी वो हमारा मुखबिर ही है और उसको हमने जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के पास भेजा था ताकि वो वहां की अंदर की खबरें बताया करता। अब उसको चूंकि अपनी लॉयल्टी सिद्ध करनी है तो इस तरीके के बयान देने पड़ेंगे, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअल मूलतः वो कांग्रेस का ही आदमी है, उसको भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देके कांग्रेस को ज्वाइन कर लेनी चाहिए जिससे कम से कम कांग्रेस को मजबूती मिले। ओम प्रकाश राजभर के बयान को पता नहीं कौन लोग सीरियस लेते हैं, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है और उसको एक अच्छे मनोचिकित्सक की जरूरत है। अब पता नहीं जो लोग उसकी बातों को सीरियस लेते हैं अब उनका भी अपना एक स्तर है, उनकी कुछ लोगों की मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन हम लोग भारतीय जनता
ओम प्रकाश राजभर को। लेकिन नितिन जी आप अपने मुखबिर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? लेकिन अभी आपने एक और बड़ा बयान दिया है, मैं उस पर आपसे जवाब चाहूंगी। आपने कहा कि जो ये ओम प्रकाश राजभर है ये मुखबिर है सपा के, और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो अंदर खाने की बात होती है ये पहुंचाते हैं। कौन सी बड़ी बातें आपको पता चली है अभी तक? वो जो बहुत सारी हम लोगों की बातें हैं, वो बातें जो कि टीवी में नहीं कह सकते हैं, जो कि मेरी मुखबिर की लॉयल्टी का सवाल है पहले, तो फिर उसकी लॉयल्टी खत्म हो जाएगी अगर उसकी हम सच्ची बात बता देंगे, इसलिए उसको तो हम नहीं बता सकते टेलीविजन पर। लेकिन ये जान लीजिए कि वो जब जरूरत होगी तो उसका हम उस तरीके का इस्तेमाल करेंगे, हमारा पक्का मुखबिर है। और उसके इस बयान पर चूंकि उसने कांग्रेस की चिंता की है, तो मुझे चाहिए कि अब उसको ये काम मुखबिरी वाला छोड़ देना चाहिए। अब उसको शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन छोड़कर उसको कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। ये ठीक बात है, उसकी विचारधारा है पुरानी, वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से कभी मैच भी नहीं करता है। आपने सुना उसके बयानों को, तो ऐसे चूंकि नॉन सीरियस लोगों की बातों पर बहुत टिप्पणी देना उचित नहीं है, तो वो जितना उसकी हैसियत है हम लोग उतना ही बोल सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, देखिए फिर नितिन जी आपके ही बयान पर मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगी। यूं तो मेरा हक नहीं है क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन आपने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के बयानों को सीरियस नहीं लेना चाहिए, और ये तो आपके मुखबिर हैं, आप भी इनके ज्यादा बयानों को सीरियस मत लीजिएगा वरना हो सकता है खामियाजा भुगतना पड़ जाए। फिलहाल धन्यवाद, सपा के प्रवक्ता नितेंद्र जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे। यूपी के चर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद में फंसे होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है। दुबे का सस्पेंड करने की तैयारी चल रही है, वही इस बात पर अब आदेश आने की देर है। दरअसल डीजी होमगार्ड की रिपोर्ट पर मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने भी दुबे पर कार्रवाई की संस्तुति की है। उन पर सस्पेंशन और विभागीय जांच की संस्तुति हुई है। अब खबर रायबरेली से है, जहां समुदाय विशेष के एक दरिंदे ने दरिंदगी की सभी हदों को पार कर दिया है। अधेड़ दरिंदे ने घर के बाहर खेल रही 9 साल की मासूम दलित बच्ची को बहला फुसलाकर उसे पहले खेत में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर मासूम को लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गया। परिजन आनंद फानन में बच्ची को लेकर नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां पर हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने रायबरेली जिला अस्पताल के लिए बच्ची को रेफर कर दिया, जहां पर प्राथमिक उपचार हुआ, जिसके बाद बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने बच्ची को फिर से लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। और ये पूरी घटना खीरो थाना क्षेत्र के गांव की बताई गई है, जहां पर देर शाम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। खेलते समय आरोपी अचानक घर के बाहर पहुंचा, उसे बहला फुसलाकर खेत लेकर चला गया और घर से 100 मीटर की दूरी पर ले जाकर बच्ची के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद आरोपी पीर मोहम्मद मौके से फरार हो गया। आरोपी की उम्र लगभग 55 साल की बताई जा रही है। क्या था पूरा मामला? जी वो रात में 6:30 बजे वहाँ खेल रही थी, उसको बहला फुसला के वहाँ रे में ले गया था। कौन ले गया था? पीर मोहम्मद। फिर क्या उसके बाद क्या हुआ घटना? उसके बाद फिर वो बच्ची मेरे घर आई, जब मैं बोला बेटे दो थाली धो लो, वो थाली धो के लाई, बोले पापा मैं पेशाब करने जा रहा हूँ। मेरे छोटी बच्ची ने बोला देखो पापा मेरे खून चल रहा है। रेप हुआ लड़की से? आपने शिकायत इसको पुलिस से किया था? जी। पुलिस आई थी? नहीं आई थी मौके पर? जी आई थी। तो पुलिस क्या कह रही है, उनको आरोपी गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी? करेगी, ऐसा कहा पुलिस ने। जी 10:15 बजे ग्राम का एक पीड़ित व्यक्ति सूचना दिया कि उसकी 9 वर्षीय पुत्री के साथ गांव का ही एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो लगभग 55 वर्ष का है दुष्कर्म कर दिया है। इस सूचना पर तत्काल थाने की टीम और पुलिस अधीक्षक महोदय मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता को तत्काल मेडिकल उपचार हेतु तथा मेडिको लीगल के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं। अभियोग पंजीकृत करके इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। खबर और ये
से है जहां जिला संयुक्त अस्पताल में अब डेंगू की जांच हो सकेगी। अस्पताल में डेंगू जांच के लिए दो किट उपलब्ध हो गई है जिनसे डेंगू पीड़ित मरीजों की जांच शुरू हो जाएगी। अब संबंधित मरीजों को डेंगू की जांच करने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। बता दें कि सीएमओ अशोक कुमार और सीएमएस राजेश मोहन गुप्ता के प्रयासों से डेंगू जांच के लिए दो किटें उपलब्ध हो गई हैं जिनके माध्यम से डेंगू की जांच की जा सकेगी। इस मौके पर प्रमुख रूप से चिकित्सक टीपी मिश्रा और अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। प्रारंभिक जांच डेंगू की होती है, रैपिड कार्ड टेस्ट, ये काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ चल रहा है। उसमें जो लोग एंटीजन पॉजिटिव आते हैं उनके लिए ये सीएमओ साहब और सीएमएस महोदय के असर प्रयासों से एक मशीन मंगाई गई शासन से, तो इसमें एंटीबॉडी टेस्ट होगा, उसको उसमें लगाया जाएगा, दो से ढाई घंटे का समय लगेगा, ये कन्फर्म कर देगी डेंगू के लिए और ये आज से यहाँ चालू। इसके लिए किस तरीके से लोगों को टेस्टिंग करेंगे, क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? इसमें हमारे पास में सैंपल जो है वो वायल में आएंगे, उनको हम सेंट्रीफ्यूज करके रक्त सीरम से हमारे सैंपल लगेंगे। इनसे पहले जो थे वो एंटीजन टेस्ट होते थे, अभी हम लोग यहाँ पे एलाइजा टेस्ट लगाएंगे। एलाइजा एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है, एक क्वालिटेटिव टेस्ट है। एंटीजन से रैपिड टेस्ट था, ये हमारा क्वालिटेटिव टेस्ट है, इनपे कन्फर्म हो जाएगा। जब हमारे पास सैंपल आ जाएंगे उसको हम शासन से, हमारे पास में एलाइजा रीडर और वॉचर प्राप्त हुआ है जिसकी मदद से हम टेस्ट लगाएंगे। ये टेस्ट दो से ढाई घंटे का समय लेगा। जैसे ही दो से ढाई घंटे की पूरी प्रोसेस के बाद में हमें ये पता चल जाएगा कि इतने सैंपल में से एक किट में 96 सैंपल्स लगते हैं, जिसमें हमें पता चल जाएगा कितने पेशेंट जो हैं वो पॉजिटिव हैं और कितने पेशेंट जो हैं वो निगेटिव हैं। इससे हमें बाहर सैंपल भेजना नहीं पड़ेगा और पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। अगली खबर कन्नौज से है जहां संदिग्ध हालत में एक युवक का शव नाले में मिला है। नाले में शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों के मुताबिक मृतक युवक घर से सब्जी लेने निकला था लेकिन घर वापस नहीं लौटा। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी और ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के देवधरापुर गाँव का है। खबर गोंडा से है जहां तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही क्राइम इंस्पेक्टर गोविंद कुमार मौके पर पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर शव को अपने कब्जे में भी लिया है। मृतक युवक भगवान पुरवा कुमरौरा गांव का निवासी बताया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। मुरादाबाद लखनऊ हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई है। पल भर में कार में आग लग गई और हादसे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब काफी वायरल हो रहा है। कार सवार लोगों ने बड़ी मुश्किल से कार से कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि इस दौरान कार में सवार लोगों को मामूली चोट भी जरूर आई है। तो देखिए ये कार का धू धू कर जलता हुआ वीडियो अब सामने आया है। इस दौरान कार में सवार लोगों ने बमुश्किल कूदकर अपनी जान बचाई है। फिलहाल कार पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है लेकिन कार सवार सभी सुरक्षित बताए गए हैं। अब औरैया से खबर है जहां एक कॉस्मेटिक की दुकान पर काम करने वाले युवक की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। मृतक बिहार के चंपारण का रहने वाला बताया गया है और वो पैसे लेने के लिए औरैया पहुंचा था लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। शक होने पर बहन ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मामले में दो युवकों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने सारा राज उगल दिया। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन के चक्कर में युवक की हत्या को अंजाम दिया गया है जिसके पैसे और अपने द्वारा जमा किए गए पैसों का वीडियो दिखाकर वो अनिल पर दबाव बना रहा था पैसा वापस करने का, जिससे वो परेशान होकर और इसने सूरज की हत्या का प्लान बनाया और सूरज को ये वीडियो उसके परिवार को भेजने के बाद इसको बाइक पे बिठा के दीपक के साथ कहीं ले गया जहाँ पे अंधेरे का फायदा उठाकर इसने घर में जो सब्जी काटने वाले दो चाकू लिए उससे इसका गला काट के इसे कहीं जंगल खेत टाइप में फेंक दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।
सच साहस सरोकार।